साथियों आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि अक्सर आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए साथियों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, त्रिपिटक खालिस्तान धार्मिक ग्रंथ है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है बी यानी कि बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है सी यानी कि चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है राज्य का राज्यपाल। क्वेश्चन देखते हैं, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है, इसका राइट आंसर हो जाता है शास्त्रीय संगीत गायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी, इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है बी यानी कि कोठारी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगोलों के नेतृत्व में चंगेज खान ने किसके शासन काल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था, इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है सी यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीएडी किसका सूचक है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ए यानी कि कंप्यूटर ऑडिट डेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है बी यानी कि लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में करीबा बांध करीबा डैम किस नदी पर बनाया गया है, इसका राइट आंसर हो जाता है सी यानी कि जाम्बेजी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बादल फटने का क्या अर्थ है, इसमें राइट आंसर हो जाता है बी यानी कि भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे, इसका राइट आंसर हो जाता है ए यानी कि एथेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है, इसका राइट आंसर हो जाता है आंसर नंबर सी यानी कि नीता अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाता है सी यानी कि बीरबल कन्नौज, जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के पुरुष साक्षरता दर है, इसका राइट आंसर हो जाता है आंसर नंबर बी 77.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आँख की रोटिना की परंपरा कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है, इसका राइट आंसर हो जाता है आंसर नंबर सी यानी कि लेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ए यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग मार्ग क्या है, इसका राइट आंसर हो जाता है ए यानी कि एक श्रेणीकृत कृषि प्रणियों के लिए जारी की गई एक विपणन सील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक फिरोज द फॉरगॉटन गांधी के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर हो जाता है बटिल फाल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया था, इसका राइट आंसर हो जाता है डी यानी कि जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है बी यानी कि वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थार क्या है, इसका राइट आंसर हो जाता है सी यानी कि मिसाइल रक्षा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है, इसका राइट आंसर होता है बी यानी कि यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है, इसका राइट आंसर हो जाता है बी यानी कि किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा द्वारा किस तिथि को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी विधेयक पारित किया गया, इसका राइट आंसर हो जाता है आंसर नंबर सी यानी कि 22 जुलाई 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए की संरचना सबसे पहले किसने बताई, इसका राइट आंसर हो जाता है सी यानी कि वॉस्टन एवं क्रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है, इसका राइट आंसर हो जाता है बी यानी कि मिट्टी का बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय डिब मृग दिवस प्रतिवर्ष भारत में आयोजित किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है ए यानी कि 10 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल हरा तथा नीला के सम्मिश्रण में कौन सा रंग बनेगा, इसका राइट आंसर हो जाता है ए यानी कि सफेद रंग बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई, इसका राइट आंसर हो जाता है बी यानी कि 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र की रचना किसने की, इसका राइट आंसर हो जाता है बी यानी कि कौटिल्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाता है बी यानी कि कर्नल संतोष बाबू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, इसका राइट आंसर हो जाता है डी यानी कि मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे ज्यादा बिक्री करने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाता है डी यानी कि मारुति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रबी विपणन मौसम RMS 2022-23 के लिए गेहूं की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल MSP प्रति क्विंटल रुपए में क्या है, इसका राइट आंसर हो जाता है बी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत बायोटेक द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी कोविड 19 वैक्सीन कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाता है सी, यानी कि कोवैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाता है सी, यानी कि ओमान एवं संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाता है बी, यानी कि एसपी बाला सुब्रमण्यम। साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।